गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयनेट एक्सप्रेसो की सीएसपी आईडी को लेकर। अगर आप लोग रॉयनेट एक्सप्रेसो की एईपीएस आईडी लेना चाहते हो, रॉयनेट एक्सप्रेसो के रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। आपको हम 100% इस वीडियो के अंदर जो है एक रॉयनेट एक्सप्रेसो का रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे बहुत ही लो प्राइस में। इसमें क्या सर्विस मिलती है, डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्या है, ये टोटल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपको तमाम चीज़ें हम बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आप लोग को रॉयनेट एक्सप्रेसो का रिटेलर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कैसे ले सकते हैं, और उसमें हम टोटल चीज़ें बात करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, कितना पैसा लगने वाला है, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस जैसा कि आपको पता है रॉयनेट एक्सप्रेसो जो है एक यहाँ पर जो है एईपीएस कंपनी है और एक प्राइवेट एईपीएस कंपनी है, ठीक है। एईपीएस बोले तो यहाँ पर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से आप लोग पैसा निकाल सकते हैं। ये जो है बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, अकाउंट ओपनिंग की भी सर्विस ये प्रोवाइड करवाता है। आपको जो हम विस्तार से बताते हैं पहले इसके सर्विस के बारे में, उसके बाद हम बताएंगे आईडी कॉस्ट और डॉक्यूमेंट और आप लोग जो है कैसे ले सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम सर्विस के बारे में बात करें तो सर्विस जो आपको सबसे पहले मिलता है रॉयनेट एक्सप्रेसो के अंदर वो आपको जो है आधार कार्ड से पैसा निकालने का, फर्स्ट यहाँ पर जो आधार कार्ड से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, दूसरा जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तीसरा मिनी स्टेटमेंट बैलेंस इंक्वायरी आप लोग आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुकिंग करना और यहाँ पर रेल टिकट बुकिंग करना ये सभी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, और बस टिकट बुकिंग करना ये भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा डीटीएच रिचार्ज या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करना, एनएसडीएल और यूटीआई से बायोमेट्रिक के माध्यम से पैन कार्ड बनाने की फैसिलिटी ये सब आपको जो है मिल जाती है। और यहाँ पर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो चुका है उसका अकाउंट भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। तो अगर राउंड से जुड़ते हैं तो ये सभी सर्विस आपको मिलती है। सर्विस लिस्ट आपको जो है यहाँ पर शो कर देगा तो आप लोग यहाँ पर सर्विस लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है, विस्तार से। अब हम बात करते हैं रॉयनेट एक्सप्रेसो की सीएसपी आईडी लेने के लिए आप लोग जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करिएगा और उसमें जो है आपका पेमेंट कितना खर्चा होगा। देखिए दोस्तों रॉयनेट एक्सप्रेसो के अगर आप लोग सीएसपी आईडी लेना चाहते हैं तो रॉयनेट एक्सप्रेसो की सीएसपी आईडी लेने के लिए आपका जो एज है वो 18+ होना चाहिए, 18 साल के आप लोग होने चाहिए। आपके पास जो आधार कार्ड पैन कार्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रहना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड पैन कार्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और बैंक की पासबुक, आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ गया। अब हम अप्लाई कैसे करना है और कितना पेमेंट लगेगा इस पे हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों आपको जो है मेरा नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर आपको मिलेगा उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप आप लोग करते हैं तो उस नंबर पर मैं जो है आपको आईडी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं बिहार एंड झारखंड से हैं तो आप लोग को जो है 1199 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी हम प्रोवाइड करवाएंगे। इतने लो प्राइस में आपको कोई भी यहां पर जो है सीएसपी आईडी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। देखिए दोस्तों इसमें जो आपको जो रिटेलर की लिमिट मिलती है वो 10 रिटेलर आपको जो है एक यहां पर 1199 रुपए में फ्री मिलता है। आपका जो आईडी एक्टिवेट होता है उसका टाइम पीरियड है 24 से 48 घंटे, आपका जो है यहाँ पर आईडी एक्टिवेट होगा 24 से 48 घंटे के अंदर में, ठीक है। और यहाँ पर जो व्हाट्सअप जैसे करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट और पेमेंट पहले ही करना होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हैं पहले तो आपको जो है आईडी हम प्रोवाइड नहीं करवाते। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है हमारे माध्यम से, हमारे नंबर के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से, तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप पेमेंट लेके आईडी दीजिएगा कि नहीं, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल यकीन रखिए मैं आपको 100% यूजर आईडी पासवर्ड 24 घंटे के अंदर अंदर में क्रिएट करके एक्टिवेट करवा के आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। 100% 24 घंटे आप जो है यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट आपको भी मिलेगा और हमारे तरफ से भी सपोर्ट आपको मिलेगा, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिटेलर आईडी का। देखिए दोस्तों रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो रिटेलर आईडी में जो है आपको ये सब सर्विस मिलेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में जो आपको सर्विस मिलेगा वो यहाँ पर रिटेलर को हैंडल करने का, ठीक है, और ऐड वगैरह करने का, रिटेलर को ऐड करने का, कमीशन वगैरह सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और रिटेलर को जो ऑप्शन मिलता है जो मैंने आपको सर्विस बताया और सर्विस लिस्ट आपको जो दिखा दिए हम यहाँ पर, अगर आप लोग जो है यहाँ पर रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं बिहार एंड झारखंड से 250 रुपीज़ ओनली, यानी 250 रुपये में आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और रिटेलर आईडी का जो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 250 रुपये है,
₹250 में आप लोग जो है रिटेलर आईडी बिहार एंड झारखंड वाले लोग ले सकते हैं। और अगर आप लोग अदर स्टेट से ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी, तो ₹499 में आपको जो है यहाँ पर रॉयनेट एक्सप्रेसो का रिटेलर आईडी मिल जाएगा। आपका टोटल डाउट क्लियर हो गया होगा। रिटेलर आईडी देने के बाद जैसे मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ यूज़र आईडी पासवर्ड, उसके बाद आपको लॉग इन करके ICICI KYC करना होता है। फिर जो है आपको एक जो है कैमरा से फोटो यहाँ पर जो है कैप्चर करके सेल्फी अपलोड करना होता है। उसके बाद कस्टमर केयर का आपके पास कॉल आता है। कस्टमर केयर का कॉल आने के बाद आपके पास जो कस्टमर केयर का कॉल आता है उसमें जो आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है, कॉल वेरिफिकेशन। इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। आप लोग जो घबराइएगा मत, आपका कॉल वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा, काम बिंदास कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है लेने में यहाँ पर रॉयनेट एक्सप्रेसो की CSP आईडी, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।